नमस्कार, मैं पंकज कुमार आज फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और आज लेके आए एक धमाका। ये धमाका नहीं है, ये है डबल धमाका, क्योंकि धमाका तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं आरएस प्लस की वीडियो में। आपने आरएस प्लस की वीडियो को इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, इतने अच्छे व्यूज ने उस वीडियो को देख के कंपेरिजन करके वो जो आरएस प्लस का प्रोडक्ट लिया है उनका रिव्यू, उनका जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा है। बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम कोई रिव्यू करते हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं और कंपैरिजन करके जो कस्टमर है उसको लेता है, फिर उसको जो है यूज़ करता है एंड उसके बाद उसका एक्सपीरियंस को बताता है कि ये कैसा है। तो आरएस प्लस सीरीज़ जो थी अभी तक की बहुत अच्छी सीरीज़ थी और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। अब जो हम लेके आए हैं न्यू लाइन की एक न्यू सीरीज़ हम लेके आए हैं, ये है न्यू लाइन की क्यू सीरीज़। जो न्यू लाइन की क्यू सीरीज़ जो आती है वो आती है एंड्रॉयड 11 के साथ। एंड्रॉयड 11 के साथ इसमें 4 GB रैम, 64 GB रोम इसमें मिलता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी एक लुक कि इसकी आउटलुक कैसी है, इसका डिज़ाइन कैसा है। इसका डिज़ाइन जो पहले आरएस में आता था वो डिज़ाइन था, उसके नोचिस थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे। अभी इसके जो नोचिस हैं थोड़े से जो साइड की एजेस हैं उसको थोड़ा सा स्लिम कर दिया है और कम कर दिया है। देन उसके बाद नीचे का जो पोर्शन है, जो पोर्शन फ्लैट होता था उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया है। वो कर्व इस वजह से किया है क्योंकि इसमें हम पैन वगैरह को होल्ड कर सकते हैं, कर्व कर दिया है तो पैन वगैरह हम इसमें रख सकते हैं। कोई विदाउट मैग्नेटिक, विदाउट मैग्नेटिक पैन भी हम इसमें रख सकते हैं। देन उसके बाद हम इसके पोर्ट्स पे आते हैं। तो इसमें जो फ्रंट में पोर्ट मिलता है, यूएसबी टच पोर्ट मिलता है, एचडीएमआई पोर्ट मिलता है, USB पोर्ट मिलता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है और माइक का पोर्ट इसमें मिल जाता है। फिर इसके बटन्स पे आते हैं तो इसके बटन्स का डिज़ाइन भी कुछ इस तरीके से कर दिया है, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन इसमें कर दिया और इधर न्यू लाइन की ब्रांडिंग कर दी है। तो इस ये बटन्स आ जाते हैं। फिर इसके स्पीके बाद हम इसमें इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो और थीम है वो थोड़ा सा, यूज़र इंटरफेस तो ऑलरेडी मेरे को लगता है जो लगता नहीं है ऑलरेडी में जो यूज़र इंटरफेस है वो एज इट इज़ आरएस की तरह है, यूज़र इंटरफेस में चेंज नहीं करा। बट हाँ, थीम्स को थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, थीम्स ज़्यादा आ गई हैं, अच्छी थीम्स आ गई हैं, थीम्स और भी आने वाली है, अपडेट होंगी तो और भी आएंगी। अभी जो आप थीम देख रहे हैं वो थीम एक न्यू थीम के अंदर आ गया है। सेम आरएस में भी ये सब पॉपअप जो थे, बटन जो थे वो सभी थे। और इसमें भी जो है अब डिस्प्ले पोर्ट जो मिल जाते हैं, बिल्ट इन पीसी, HDMI 2, HDMI 3, DP पोर्ट और टाइप सी पोर्ट इसमें मिल जाता है, HDMI 1 इसमें मिल जाता है और टाइप सी पोर्ट इसमें मिल जाता है फ्रंट में। देन उसके बाद राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि OPS क्या है। OPS आपका विंडोज है, विंडोज कि आप इसमें इनबिल्ट विंडोज के साथ इसको लेना चाहते हो, क्योंकि ये एंड्रॉयड प्लस विंडोज के साथ ये अवेलेबल है। फिर से कहता हूं कि विंडोज जो है इसमें ऑप्शन रखा हुआ है, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप आपके पास है तो वो भी आप इस पोर्ट में, यूएसबी टच के पोर्ट में और एचडीएमआई के थ्रू सेम एज इट इज जो ओपीएस है उसको टच स्क्रीन बना सकते हैं। मतलब विंडोज अपना कंप्यूटर भी आप टच स्क्रीन बना सकते हैं। अपना कंप्यूटर को आप साइड में रख दीजिए और पूरा अपना जो सभी कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है वो यहीं से ही ऑपरेट कर सकते हैं टच स्क्रीन से। और इसके साथ जो है OPS लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं मैं कोई केबल के थ्रू उसको नहीं लगाना चाहता, मुझे इनबिल्ट ही इसमें PC भी चाहिए, तो इसमें PC भी मिल जाता है। बट ये ऑप्शन है, आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें आ जाता है ब्राउज़र जो है, जनरली ब्राउज़र है, ब्राउज कर सकते हैं। फिर इसमें वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड को मैं अभी करके दिखाऊंगा तो इसको छोड़ देते हैं अभी। फिर आता है फाइल व्यूअर क्या है कि जो इसकी रैम, इसका स्टोरेज वगैरह है, क्लाउड वगैरह है, इसमें जो मिलता है इसमें 32 GB का जो इंटरनल मिल जाता है और 32 का सैमसंग का कार्ड लगा हुआ है, जो कि ये टोटल अपग्रेडेबल करके 64 GB के साथ आपको मिलता है। प्लस में इसमें क्लाउड की जो है स्टोरेज भी मिल जाती है, एड क्लाउड का ऑप्शन भी मिल जाता है, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, बॉक्स, वन ड्राइव फॉर बिजनेस में भी आप लॉग इन करके जो है उनका स्पेस यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आ जाता है इसकी जो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन है, जो कि मैं बता रहा था, इसमें जो रैम मिलती है वो रैम मिलती है 4+, 4 GB प्लस इसमें आपको रैम मिलने वाली है, 4 GB से नीचे नहीं मिलने वाली।
4 GB से प्लस आपको इसमें रैम मिलने वाली है। उसके बाद ये सिस्टम वर्जन जो है 11 ये आपको मिलने वाला है। तो ओवरऑल जो जो क्यू सीरीज है वो आरएस से बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस उसमें है, क्योंकि इसमें वर्जन आपको बड़ा मिल रहा है, रैम एंड रोम बहुत अच्छी बड़ी ज़्यादा मिल रही है, और डिस्प्ले जो है इसकी डिस्प्ले भी बहुत एनहेंस की है, बढ़ा दी गई है, बहुत इम्प्रूव कर दिया गया है। अब चलते हैं हम इसके वाइट बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर हम चलते हैं। तो वाइट बोर्ड में जो आ जाता है, वाइट बोर्ड पर चलते हैं हम। ये पेन जो आता है ये डुअल स्टाइलिश पेन आता है, आगे से ये थिन होता है, पीछे से थिक होता है। हम इसको दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं, आगे से हम इसको लिख सकते हैं और पीछे से हम इसको जो है पीछे से हम इसको हाइलाइटर बना सकते हैं। तो डुअल दोनों तरफ से हम इसे जो है यूज कर सकते हैं, और अगर हम इसे बंद करना चाहें तो हम इसको पीछे से जो राइटिंग हमने हाइलाइटर कर रहे थे हम उसको बंद करना चाहें तो हम इसको इनफिनाइट पेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इस पेज को हम अनलिमिटेड पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि जो मैथ्स वगैरह पढ़ाता है जिसका कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होता है, तो एक पेज पे उसको इनफिनाइट करने के लिए, इनफिनाइट पेज पे इसको कन्वर्ट करने के लिए पेन का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसको ज़्यादा मतलब मैं बेसिक चीज़ें हैं कि इसमें पेन के साइज़ को चेंज कर सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं, अपने मनपसंद कोई भी कलर्स में आप पढ़ा सकते हैं। हाइलाइटर का भी सेम ऐसे ही है कि जो भी आप कलर यूज़ करना चाहें अपने पसंद का कलर यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको कुछ शेप्स वगैरह मिल जाती है, आपको ट्राइंगल वगैरह मिल जाते हैं, इसमें लाइन वगैरह मिल जाती है। अगर लाइन वगैरह से आपको खुद कोई ट्राइंगल वगैरह कुछ भी ड्रॉ करना है तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो ऑप्शन मिलता है, आपने कोई भी राइटिंग किया, कुछ भी राइटिंग करते हैं एंड आप उसके बारे में उसको पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करते हैं और उसको जूम इन करके या जूम आउट करके कहीं पे शिफ्ट करना चाहते हैं, ये एक ऑप्शन मिल जाता है आपको। ये भी बहुत यूजफुल टूल है, ये मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको इरेजर मिल जाता है जो कि स्टोक इरेजर मिल जाता है। स्टोक इरेजर के बाद आपको मिल जाता है पार्शियल इरेजर आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको ऑल क्लियर मिल जाता है कि जो कि आप पूरे बोर्ड को क्लियर कर सकते हैं। फिर आपको मिल जाता है अंडो रीडो इसमें मिल जाता है। उसके बाद जो आपको मिलता है, आप बैकग्राउंड कलर को अपना मनपसंद कोई बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, अपना बैकग्राउंड कलर मनपसंद कोई बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं, वो बैकग्राउंड कलर आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड मनपसंद कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, तो आपको जो ये रिकमेंड साइज दिया हुआ है 3840x2160, इसका अपना मनपसंद कलर विद वाटरमार्क आप इस पे बैकग्राउंड कलर को बैकग्राउंड बना सकते हैं अपने वाटरमार्क के साथ। आपका कोई भी लोगो है, वाटरमार्क है, जो भी है, आप उसके साथ अपना मनपसंद कलर भी लगा सकते हैं। तो इसलिए बैकग्राउंड कलर की कोई चिंता नहीं, कोई भी बैकग्राउंड कलर पे आप इस पे काम कर सकते हैं। उसके साथ कुछ पैटर्न्स वगैरह दिए, जैसे मैं फुटबॉल का एक पैटर्न लगा लेता हूँ, ये पैटर्न्स आपको मिल जाता है। तो ये थी इसकी बेसिक बेसिक चीज़ें। अब इसमें जो कि न्यू लैंड की यूएसपी है, जो किसी भी देखिए आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आपका टेक्नोलॉजी यूज करने का मेन पर्पस क्या है कि आप अगर आप एक ट्रेडिशनल बोर्ड से एक डिजिटल बोर्ड पे आ रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन करने का मतलब है कि आप कम समय में ज़्यादा टॉपिक्स को कवर कर सके, कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सके। और क्योंकि जब टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन होता है तो हमारे पास कुछ बहुत सारे शॉर्टकट टूल्स मिल जाते हैं, जिससे कि आपको जो वर्किंग है वो बहुत ईजी हो जाती है, मतलब बहुत ईजी करने के लिए टेक्नोलॉजी का और टाइम बचाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन होता है किसी भी चीज़ के लिए। तो इसमें जो आपको व्हाइट बोर्ड पे मिल रहा है, एक मिल रहा है आपको पीडीएफ। हम इसमें क्या है, कोई भी हमारे पास जो ऑलरेडी पीडीएफ है, हम इस बोर्ड पर पीडीएफ को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये अब पीडीएफ इंपोर्ट हो चुका है। आप चाहते हैं कि अब जो ये पीडीएफ इंपोर्ट हुआ है, हम चाहते हैं कि अगर इसके ऊपर ही लिखना तो हम इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। और चाहते हैं कि हम इस पीडीएफ को थोड़ा शिफ्ट करके और हम साइड में लिखें, तो हम साइड भी लिख सकते हैं, हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी लिख सकते हैं। सभी पेजेस में 32 पेजेस थे, 32 के 32 पेजेस इसमें इंपोर्ट हो चुके हैं और ऐसे ही हम उनको यूज कर सकते हैं। और हम फुल पेजेस पर भी इसको पढ़ा सकते हैं, फुल पेजेस पर भी इसको पढ़ा सकते हैं, और सभी पेजेस इसमें इंपोर्ट हो चुके हैं, आप देख रहे होंगे। हम इनको शिफ्ट करके कम जो है इसके साइज को कम छोटा करके इसको साइज को शिफ्ट करके हम इसको पढ़ा सकते हैं। ये एक इसमें ये फीचर्स मिल जाता है। देन उसके बाद इसमें जो फीचर मिलता है वो फीचर मिलता है सर्च इमेज का।
आप कोई भी ओवर द इंटरनेट कोई भी इमेज पड़ा है तो उस इमेज को डायरेक्ट, आपको उस इमेज को सेव करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटरनेट पे जाएंगे, कोई भी आपको इमेज चाहिए, मोस्टली इमेज तो आज इंटरनेट पे है, वो इमेज को डायरेक्ट यहाँ पे जैसे कि मैं एक ये इमेज ले लेता हूँ, ये एक इंडियन मैप है, तो इंडिया का मैप है ये, मैंने इंपोर्ट किया और हम इसके ऊपर मुझे कुछ पढ़ाना है, अंडमान निकोबार आइलैंड किसी भी चीज़ के बारे में मुझे पढ़ाना है तो ये मैं उसको पढ़ा सकता हूँ। ये एक जैसे इमेज मैंने इंपोर्ट किया, तो आपको ये इमेजेस को सेव करने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट इंटरनेट से निकाल के आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। इसके बाद जो फीचर आ जाता है सर्च वेब का, सर्च वेब में क्या है कि आप कोई भी इंटरनेट के ऊपर कोई भी टॉपिक को, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट यहीं पे ही इंटरनेट मिल जाता है। जैसे अब मैंने स्वामी विवेकानंद जी का एक टॉपिक है वो मैंने ओपन किया, अब मैं इसके बारे में कुछ पढ़ाना चाहता हूँ, मैं यहीं से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, प्लस करता हूँ उस टॉपिक को, डायरेक्ट यहाँ लेके आ जाता हूँ एंड उसको जूम आउट करके उसके ऊपर भी मैं वर्किंग कर सकता हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद इसमें आ जाता है YouTube, हम इस डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर भी YouTube भी चला सकते हैं, YouTube का भी प्ले कर सकते हैं। ये थी इसकी USP, जो कि आपको बताया कि इसमें हम PDF इंपोर्ट कर सकते हैं, सर्च इमेज कर सकते हैं, सर्च वेब कर सकते हैं और YouTube इस बोर्ड के ऊपर चला सकते हैं। और जो बेसिक बेसिक फीचर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स के अंदर आते हैं, जो सभी बोर्ड्स के अंदर आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना, पेन के कलर चेंज करना, पेन के थिकनेस को चेंज करना, ये सारी चीजें सभी के अंदर मिल जाती है, बट जो यूएसपी थी ये थी। और सबसे बड़ी यूएसपी जो न्यू लाइन के अंदर मुझे अच्छी लगती है था इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसके जो नोचेस को हल्का जरूर किया है पर जो नोचेस की क्वालिटी है और जो ग्लास की क्वालिटी है, इसकी ग्लास की जो क्वालिटी है अभी भी बहुत अच्छी है। आपको ग्लास की जो ग्लास आप देखेंगे, पैन जहाँ रखेंगे और जो पैन नीचे, जब आप कोई इसको एक्सपीरियंस करेंगे, फिजिकली एक्सपीरियंस करेंगे, तो आप देखेंगे ग्लास और जो हम जहाँ पे पेन का टिप है और ग्लास के नीचे जहाँ पे वो राइटिंग कर रहा है, ग्लास की थिकनेस बहुत मोटी है। यूजुअली बोर्ड्स में मैंने बहुत सभी बोर्ड्स में देखा है जो थिकनेस होती है वो जहाँ पे वो पेन चल रहा होता है और वो जो ग्लास के बैक में वो चल रहा होता है उसकी जो लेयर होती है वो बहुत पतली होती है, इसकी लेयर जो है वो बहुत बहुत सही है। और यही RS में था, यही इसमें था, इस वजह से इसकी जो थिकनेस है और जो इसकी प्रोटेक्शन भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कमर्शियल डिस्प्ले है, आपको इसके सामने रहना है, इसके सामने 4 घंटे 5 घंटे भी रह सकते हैं आप, तो आपको एक तो कमर्शियली इस पे यूज करेंगे जितनी लेयर पतली होगी उतना जो है स्क्रैचेस आने के चांसेस रहेंगे और ब्रेक होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, और जितना आपका ग्लास पतला रहेगा उतना भी आपकी आईज पे इफेक्ट होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें आपकी जितनी ये ग्लास थिकनेस जो है इन्होंने अभी भी कम नहीं किया है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आप कभी भी कोई और बोर्ड भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये चीज जरूर देखिएगा कि आप लिख कर रहे हैं, आपका पेन किधर है और नीचे कितना कहाँ वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वो होती है जो ग्लास की थिकनेस, वो ग्लास की थिकनेस होती है जहाँ पे आप लिखते हैं। ये बहुत अच्छी चीज अभी भी इन्होंने मेंटेन करके रखी है RS के साथ साथ क्यू लाइन न्यू लाइन के क्यू सीरीज में भी। फिर उसके बाद हम चलते हैं जो हमने OPS के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं, ब्राउजर के बारे में बता चुके हैं, वाइट बोर्ड अभी हम कवर कर चुके हैं, फाइल व्यूअर हम ऑलरेडी, स्टोरेज जो है फाइल कमांडर स्टोरेज के बारे में मैं कवर कर चुका हूँ। फिर आ जाते हैं हम एप्स में, एप्स में जहाँ पे इसकी एप्स वगैरह इंस्टॉल होती है वो एप स्टोर है, जिसमें कि हम इसमें मिल जाता है बाय डिफॉल्ट आपको कैलकुलेटर मिल जाता है, कैलेंडर मिल जाता है, क्लॉक मिल जाता है, न्यू लाइन कास्ट मिल जाता है और ऑफिस मिल जाता है, न्यू लाइन ब्रॉडकास्ट मिल जाता है, विजुअलाइजर का वो मिल जाता है और डिस्प्ले मैनेजमेंट मिल जाता है और व्हाइट बोर्ड न्यू 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 लाइन के क्लासरूम टूल्स मिल जाते हैं। न्यू लाइन एप्स में आप कोई भी अपनी मनपसंद की एप्स वगैरह जो डाउनलोड कर सकते हो न्यू लाइन के ऐप स्टोर से कर सकते हो, कोई भी आपको मनपसंद जो एप्स वगैरह जो एंड्रॉइड की एप्स वगैरह है वो डाउनलोड करके चला सकते हो न्यू लाइन ऐप स्टोर से, वो चीज आपको मिल जाती है। स्क्रीन शेयरिंग क्या है कि आप अपना मोबाइल या कंप्यूटर जो है थ्रू वाईफाई इससे कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपना मोबाइल लेता हूँ और अब मैं इसको कास्ट करना चाहता हूँ, तो ये जैसे मेरा मोबाइल है हम लेके आते हैं पास पास में, तो नोट
हम अपना मोबाइल वगैरह कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि ये मेरा फ़ोन है और अभी हम ये कनेक्ट हो रहा है और ये मेरा फ़ोन जो है कनेक्ट हो चुका है। तो हम जो है इस फ़ोन को कनेक्ट करके अपना फ़ोन को भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपने फ़ोन को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप वायरलेसली अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप और टैबलेट्स को भी आप जिसमें वाईफाई का प्रोविज़न है उसमें सेलेक्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें मिल जाती हैं ओनली एंड्रॉयड वर्जन में। एंड्रॉयड वर्जन में मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वर्किंग के मिल जाती है, पर जो मेन मेन चीज़ें थी इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। मुझे लगता है कि ये इसी इन्फॉर्मेटिक वीडियो के साथ आपसे ज़रूर मिलूंगा, और आशा करता हूँ कि जैसे आपने RS सीरीज़ की वीडियो को बहुत प्यार दिया, मुझे लगता है कि इस वीडियो को भी बहुत प्यार मिलने वाला है। और रियली में ये जो प्रोडक्ट है इसकी जो मैं कहना चाहता हूँ इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बेटर है। मेन क्या है, न्यू लाइन का जो ब्रांड है ट्रस्टेबल ब्रांड है, और मेन जो है इसकी क्वालिटी क्वालिटी तो आपको मिलने वाली है, बहुत सुपर क्वालिटी है। जैसे कि मैंने हिट करके दिखाया, जो हिट करके दिखाया इस ग्लास को आप हिट कर सकते हो इंटेंशनली, अगर तोड़ना चाहो तो तोड़ दोगे, बट आप रफ एंड टफी से यूज़ करोगे तो इसके ग्लास को कुछ नहीं होने वाला। ग्लास का फ़ायदा है कि आपकी आंखें भी बची रहेंगी, आपकी आंखों पे भी असर नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी थिकनेस कम होती रहेगी जो LEDs की रेज होती हैं वो आपको इफेक्ट करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।